तो स्वागत है आप लोगों का। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं PC 12, 16 और 21 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन है? चैप्टर 10, वर्क्स अकाउंट्स। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्यों बताऊं? इसलिए क्योंकि जो अकाउंटेंट का एग्जाम होता है ना, क्लर्क से अकाउंटेंट बनने वाला जो एग्जाम होता है, ठीक है, उसके भी पेपर 2 में CPWA कोड है, पता है आप लोगों को। और उस पेपर 2 के CPWA कोड में केवल एक ही चैप्टर है, सिंगल चैप्टर, और वो चैप्टर है चैप्टर 10। इसका मतलब है कि चैप्टर 10 बड़ा तो है ही, इंपॉर्टेंट भी है। एक और बात, खास बात है कि जितने भी इंजीनियर्स का एग्जाम होता है अकाउंट्स का, जैसे कि जेई का, एई का और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, सब लोगों का जो CPWA का पेपर होता है, उसमें सिलेक्टेड टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो चैप्टर 10 है, वर्क्स अकाउंट्स। ठीक है, इस वजह से ये वाला जो टॉपिक है वो न केवल SAS के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बल्कि जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अपने एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और डिपार्टमेंटल अकाउंटेंट, अकाउंटेंट क्लर्क से जो अकाउंटेंट बनने वाला एग्जाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेंट के इंसेंटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में यहाँ नहीं लिखा है, वो है डिविजनल अकाउंटेंट ग्रेड एग्जाम, DAGE। ठीक है, डिविजनल अकाउंटेंट ग्रेड एग्जाम में भी इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस रहते हैं, वर्क्स अकाउंट से। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड माय व्यूअर्स ऑन यूट्यूब दैट यू मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग रीडिंग दिस चैप्टर। एंड इससे पहले कि आप लोग इसको पढ़ें, मेरी आपसे यही विनती है कि आप लोग पेपर, आप लोग अपना बुक खोल लें, प्लीज ओपन योर बुक व्हाइल वॉचिंग माई वीडियो, ओपन योर बुक। ठीक है, व्हाइल वॉचिंग माई वीडियो प्लीज, क्योंकि जब आप अपने बुक को खोलेंगे, मैं उसके लिए कह रहा हूं कि YouTube में मेरे वीडियो देख रहे हैं, जब आप YouTube पे देख रहे हैं और अपने बुक को आप खोलेंगे, PDF में खोलिए, बुक में खोलिए, नो प्रॉब्लम। कुछ लोग कहेंगे हमारे पास बुक नहीं, PDF है, खोल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग एक मोबाइल में, लैपटॉप में, कहीं भी खोल लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। केवल मेरा वीडियो देखिएगा, आपको इतना हेल्प नहीं करेगा। तो एक केयर तो आपको यहाँ रखना है, सेकेंड केयर रखना है, प्लीज हैव अ पेपर एंड पेन। ठीक है, पेपर एंड पेन रखिए, और उसके बाद आप मेरे वीडियोस को पाउज करिए। तो 3P का फॉर्मूला है, PPP, पेपर पेन एंड पाउच का फॉर्मूला, समझे? पाउच करिए, नोट्स बनाइए, समझे? ये काम आप लोग करेंगे, आप लोगों को डबल ट्रिपल बेनिफिट मिलेगा। केवल वीडियो देख के पार हो जाएंगे तो ये कोई एंटरटेनिंग वीडियो नहीं है। दूसरी बात, इसमें ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आप लोगों को नोट करनी पड़ेंगी, इसीलिए जो भी मेरा वीडियो देखना शुरू कर रहे हैं, प्लीज यहीं पाउच कीजिए, पहले PDF ओपन कीजिए, पेपर और पेन लीजिए, और उसके बाद आप अपना काम शुरू कीजिए। वीडियो देखिए, पाउच कीजिए, पॉइंट नोट कीजिए, वीडियो देखिए, पाउच कीजिए, पॉइंट नोट कीजिए। ठीक है, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर 10, और उसमें से 10.1.1 कोई भी एक आदमी चैप्टर 10 वर्क्स अकाउंट पढ़ना शुरू कीजिए, शुरू कीजिए 10.1। पढ़िए प्लीज। चलिए, आप लोग नहीं पढ़ेंगे क्या? आप लोग को मेरी आवाज नहीं आ रही है? Aren't you getting my point or getting my voice, please? सर पढ़ता हूँ। एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ अ वर्क मे बी डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू टू क्लासेस, कैश और स्टॉक।
इन एडिशन टू द मेन चार्ज दे आर अदर चार्जेस अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ वर्क. फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी चार्जेस इनकर्ड इन अदर डिविजन डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट मटीरियल्स रिसीव फ्रॉम दैम और सर्विसेज रेंडर्ड बाई दैम और देयर मे बी कैश रिसीट सच एज आर टेकन इन रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इन अकॉर्डिंग्स विद द रूल्स. टू अकाउंट फॉर ऑल दीज चार्जेस अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ वर्क सेपरेट अकाउंट्स आर मेंटेन इन सब डिविजनल डिविजनल ऑफिसेज फॉर रिकॉर्डिंग नंबर वन द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल वर्क नंबर टू द ट्रांजेक्शन ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रेक्टर सप्लायर्स दीज आर नोन एज वर्क अकाउंट. ठीक है तो हम लोग पढ़ रहे हैं वर्क अकाउंट है ना. और वर्क अकाउंट के लिए आप लोगों को क्या पढ़ना है भाई. तो आप लोगों को पढ़ना है कि इसमें जो सबसे लास्ट लाइन लिखा हुआ है कि चाहे वो सब डिविजन हो चाहे वो डिविजन हो सब डिविजन हो या डिविजन हो है ना. इसका मतलब कि जो आपके सब डिविजन में रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं वो मेंटेन भी वो रिकॉर्ड भी और जो डिवीजन में मेंटेन किए जाते हैं वो रिकॉर्ड भी वर्क्स अकाउंट में शामिल किए जाते हैं. और कौन से रिकॉर्ड है. कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल वर्क. यहाँ पे जो आपको टर्म यूज किया गया है वो कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल वर्क. हम जो इंडिविजुअल हटा देते हैं ठीक है ना. मैंने वर्क का कॉस्ट है ना काम की लागत है ना. और ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं अब ट्रांजेक्शन ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर है ना. ट्रांजेक्शन ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर ठीक है मतलब ठेकेदार के साथ लेन देन लेन देन है ना. और देखिए दोनों में अंतर है. यहाँ पे लागत है ना यहाँ लेन देन है ठीक है. अब आपको पता होगा कि दोनों के अलग अलग रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं. जैसे कि यहाँ पे वर्क एब्स्ट्रैक्ट मेंटेन किया जाता है ठीक है. वर्क रजिस्टर या रजिस्टर वर्क मेंटेन किया जाता है ठीक है. है ना. और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर लेजर मेंटेन किया जाता है बेसिकली इन दोनों चीजों से संबंधित ठीक है. तो ये आपका वर्क्स अकाउंट में आता है राइट. लेकिन कॉस्ट ऑफ वर्क आया और ट्रांजेक्शन ऑफ इंडिविजुअल कॉस्ट आया इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर आया. इसमें सबसे पहले लाइन है एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ अ वर्क. इसका क्या मतलब हुआ. इसका मतलब ये हुआ कि आपका या तो वर्क का खर्चा होगा जो कि टू क्लासेस में डिवाइडेड है कैश में और स्टॉक चार्जेज में ठीक है. तो वर्क एक्सपेंडिचर जो है वो टू में डिवाइडेड है कैश में और स्टॉक में है ना. और ये दोनों ही शामिल है दोनों को जोड़ दिया जाएगा. मैंने कैश चार्जेस प्लस स्टॉक चार्जेस ठीक है. इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तब आपका बनेगा वर्क अकाउंट. और ये सही भी है. वर्क अकाउंट जो है कंस्टिट्यूटेड विद कैश अकाउंट स्टॉक अकाउंट एंड ट्रांसफर एंट्रीज ठीक है. तो यहाँ पे ये आपको एक डायग्राम बना लेना है जो आपके 10.1.1 में है ठीक है. यही है मेन डायग्राम. इसके अलावा जो भी लैंग्वेज लिखा हुआ है उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं. इसमें आपको कोई दिमाग में लोड नहीं लेना है ठीक है. मैं आपको हेलो. हाँ सर. जी सर. 10.1.2 को पढ़ना शुरू कीजिए. तो यहाँ पे बेसिकली यही है. वर्क अकाउंट का मतलब केवल डिवीजन का रिकॉर्ड नहीं है सब डिवीजन का रिकॉर्ड भी है ना. चलिए 10.2.10.1.2 पढ़िए. द इनिशियल रिकॉर्ड अपॉन व्हिच द अकाउंट्स ऑफ वर्क आर बेस्ड आर इनुमरेटेड बिलो मस्टर रोल इंक्लूडिंग कैजुअल लेबर रोल measurement books, measurement books and work charged establishment bills other than those borne on regular establishment. ठीक है. अब एक बात आप पूछिए. अभी आपको पिछले पैराग्राफ में मैंने एग्जाम्पल दिया कि आपका एग्जाम्पल था कि कॉस्ट ऑफ वर्क था ना. कॉस्ट ऑफ वर्क के लिए जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था वो था वर्क एब्स्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल है ना. और क्या दिया था एग्जाम्पल दूसरा रजिस्टर ऑफ वर्क लिया था ना. रजिस्टर ऑफ वर्क हाँ भैया हाँ लिख रहे हैं है ना. और दूसरा आपको दिया था एक कॉन्ट्रैक्टर लेजर है ना. वो ट्रांजेक्शन विद कॉन्ट्रैक्टर. और दोनों का दोनों ही आपके इनिशियल रिकॉर्ड वाले मामले में नहीं है. देखिए तो इनिशियल रिकॉर्ड वाले मामले में क्या है मस्टर रोल है ठीक है. और उसके साथ में कैजुअल लेबर रोल भी
ठीक है, ये इनिशियल, दूसरा मेजरमेंट बुक और तीसरा वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट बिल, है ना। आप देखते जरा ध्यान से, ये तीन का इस वाले में जिक्र नहीं है। क्यों नहीं है भाई? इसलिए नहीं है क्योंकि इनिशियल रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि उस रिकॉर्ड को सबसे पहले आप दर्ज करते हैं, और जब भी कोर्ट में कोई केस होगा तब एज अ कोर्ट ऑफ लॉ यही आपको एविडेंस के तौर पर प्रदेश किया जाएगा और एडमिट किया जाएगा। माने अगर आप वर्क एक्सटेंड दिखाते हैं, लेटर ऑफ वर्क, कॉन्ट्रैक्टर लेजर, और आप मस्टर रोल नहीं दिखाते हैं, एमबी नहीं दिखाते हैं, वर्क एस्टेब्लिशमेंट बिल नहीं दिखाते हैं, तो वो आपका कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, कोर्ट ऑफ लॉ में जो आपका इनिशियल रिकॉर्ड है, जब आप कॉन्ट्रैक्टर लेजर दिखाइएगा बोलेगा ये किस ग्राउंड पे बनाया है, किस बेस पे बनाया है, तब आपको बेस दिखाना पड़ेगा एमबी से, समझ रहे हैं। इसी वजह से इसको इस तरीके से इनिशियल रिकॉर्ड कहा गया है। ठीक है ना, किसी को कोई डाउट है? हेलो 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 हेलो, नो सर नो सर, हाँ या ना, फटाफट बोलिए। ठीक है, चलिए इस वाले में हम इसको मिटाएंगे नहीं, कुछ मामला है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, मास्टर रोल है यहाँ पे इनिशियल रिकॉर्ड, मास्टर रोल में क्या एंट्री होती है, क्या एक्चुअल में देखा जाता है भाई? मास्टर रोल जो होता है दो पार्ट में बनता है, कौन से पार्ट में है पहले समझिए। मास्टर रोल दो पार्ट में बनता है, क्लियर है? और जो मास्टर रोल दो पार्ट में बनता है उसमें आपको मास्टर रोल दो पार्ट में बनता है, कहां तो एमबी रनिंग अकाउंट बिल सर फॉर्म नंबर 21 एंड 20। नहीं वो तो ठीक है, फोन नंबर, लेकिन मास्टर रोल दो पार्ट में बनता है सर, एक होता है नॉमिनल रोल और एक होता है डिटेल ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द वर्क डन। 10.2.4 का सी पढ़िए, हम लोग पढ़ रहे हैं मास्टर रोल, ठीक है ना, और इसको दो पार्ट में बनाया जाता है। ठीक है, पार्ट वन द डेली अटेंडेंस, हाँ 10.2.4 का सी पढ़िए, पढ़िए जरा। The daily attendance and absence of laborers and the fines inflicted on them should be recorded daily in the part one of the master roll in such a way. बस। ठीक है, यहाँ जो master roll है, master roll क्या है भैया? इसमें daily attendance होता है, बस समझे। जो मजदूर काम करने आएगा उसका daily attendance होगा, समझे। इसके अलावा absence of labor and fines, एब्सेंस भी होगा, जाहिर सी बात है, यस सर नो सर, ठीक है, या एब्सेंट सर, और फाइन्स इन्फ्लिक्टेड, अगर किसी के ऊपर में कोई फाइन लगाया गया है, समझे कि नहीं। वो तीन चीजों की चर्चा होती है मास्टर रोल के पार्ट वन में। पार्ट टू में क्या होता है देखेंगे बाद में, पर फिलहाल आपको ये समझना था कि मास्टर रोल आखिर इनिशियल रिकॉर्ड है, और यहाँ होता क्या है मास्टर रोल में? भैया मास्टर रोल में कोई भी काम करवाइए उसमें डेली अटेंडेंस बनता है, किसका बनता है? लेबर का। किसका बनता है? और ये जो मेंटेन होता है वो सीपीडब्ल्यू 21 में मेंटेन होता है, 21 में होता है ना जी? जी सर 21 में, हाँ सीपीडब्ल्यू 21 में होता है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सीपीडब्ल्यू 21, ठीक है, सीपीडब्ल्यू 21 है ना। चलिए कैजुअल लेबर रूल के बारे में भी कहीं कुछ लिखा हुआ होगा, हम एक बार कैजुअल लेबर रूल को देखेंगे क्या लिखा हुआ है कैजुअल लेबर रूल के बारे में। सर 22 में है सर वो, इसमें 22 फॉर्म नंबर 22 में, वो 22 हम जानते हैं, पर कैजुअल लेबर रोल के बारे में लिखा हुआ है 10.2.4 का जी, और जी का नहीं एच, 10.2.4 का एच देखिए, देखिए कैजुअल लेबर रोल के बारे में 10.2.4 का एच आप पढ़िए। In exceptional and urgent cases such as urgent silt, in exceptional and urgent cases such as urgent silt, clearance of canals or closing bridges where laborers are employed casually for short period, payment may be made on a casual labor roll form CPWA 22 in which the names of laborers need not be given by, but such payment may not be made accepted by a gazetted officer. No need master role in 21. बस रुक जाइए। तो casual labor role master role में क्या है? कोई भी आप काम कराइए, departmentally labor से करवाइएगा, समझे?
तो मस्टर रोल रखना पड़ेगा। इवन कॉन्ट्रेक्टर भी काम करता है तो भी मस्टर रोल रखा जाता है। मस्टर रोल और मेजरमेंट बुक दोनों में एंट्री की जाती है एक साथ। कैसे की जाती है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन मस्टर रोल का काम किसी भी काम में, हर एक काम में। लेकिन कैजुअल लेबर रोल स्पेसिफाई कर दिया गया है कब कब किया जाएगा, यही यहाँ पर लिखा हुआ है 10.2.4 का एच में। ठीक है, क्या लिख दिया है, एक्सेप्शनल एंड अर्जेंट केसेस, है ना। तो पहला है अर्जेंट सी होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, सच है अर्जेंट स्लिट क्लियरेंस ऑफ कनाल। ठीक है, कनाल का गाद निकालना। ठीक है, कनाल मतलब नहर होता है ना, नहर की गाद निकालना। गाद का मतलब समझते हैं आप? हेलो जो नॉन हिंदी वाले बेल्ट से भी हैं। ठीक है, कोई भी कनाल होता है ना नहर, उसके तली में कुछ कीचड़ जम जाता है जो बाद में सूख जाता है। सूखने की वजह से वहां पे पानी गुजरता है तो वो कीचड़ ज्यादातर पानी सोख लेता है और वो पानी लंबे दूरी तक ट्रेवल नहीं कर पाता है। इसकी वजह से उसको गाद निकालना एकदम अर्जेंट हो जाता है, बरसात आने से ठीक पहले ये काम किया जाता है। और इतना अर्जेंट बेसिस पे होता है कि इसको हम लोग कैजुअल लेबर रोल में करवा सकते हैं। दूसरा है क्लोजिंग ब्रीचेज। ठीक है, क्लोजिंग ब्रिज को खोलना। वेयर लेबर्स आर एम्प्लॉयड कैजुअली फॉर शॉर्ट पीरियड, पेमेंट आर मेड ऑन अ कैजुअल लेबर रोल फॉर्म 22 इन व्हिच द नेम्स ऑफ द लेबर नीड नॉट बी गिवन। और जो 22 का मसला है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नेम ऑफ लेबर नॉट गिवन, यही इसका सबसे बड़ा एमसीक्यू है। समझे कि नहीं, जो आपका एमसीक्यू पूछा जाता है वो दो ही, ये एग्जाम्पल है, ये नहीं पूछा जाएगा। अर्जेंट बेस पे होता है ये समझ में आना चाहिए, एग्जाम्पल है। पूछा क्या जाएगा, कैजुअल लेबर रोल का फॉर्म, फॉर्म 22, और क्या लेबर का नाम दिया रहता है, जवाब है नहीं। समझ रहे हैं? तीसरा बात जो लिखा हुआ है कि इसमें गैजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर चाहिए, एक्सेप्ट कैन नॉट बी गिवन फॉर पेमेंट मेड मे नॉट बी मेड एक्सेप्ट अ गैजेटेड ऑफिसर। ठीक है, किसी भी हाल में गैजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर चाहिए, साइंड बाय गैजेटेड ऑफिसर, साइंड बाय जीओ, ग्रुप ऑफिसर मत समझ लीजिएगा इसको। ठीक है, गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा साइन किया जाता है। नॉट नीड मस्टर रोल इन फॉर्म 21 बी यूज्ड इन द केस ऑफ वर्क डन ऑन रिक्विजिशन फॉर्म CPW 32 व्हेन एंट्रीज ऑफ डेली लेबर्स आर फ्यू इन सच केसेस द पर्टिकुलर कैन बी इंटर्ड इन अ फॉर्म ऑफ रिक्विजिशन। तो यहां अभी आपको मामला समझ में आ गया होगा कि कैजुअल लेबर रोल क्या होता है और कैसे यूज होता है। हाँ याना बताइए। हाँ सर, है ना। अब हम लोग आते हैं मेजरमेंट बुक पे, एमबी क्या है। इसको समझने के लिए कि एमबी क्या है, आपको ये समझना होगा कि कोई भी काम होगा, ठीक है, उसका पेमेंट तीन तरीके से होता है, तीन तरह का बिल बनता है। कोई मुझे बता सकता है तो हम मिटा दें, है ना। आप लोग ना बोलिएगा नहीं तो मिटा ही देते। ठीक है, चलिए देखिए, आपको हम बताते हैं किसी भी पेमेंट को हम लोग बिल पे करते हैं। ठीक है, और बिल तीन को बनता है। पहला बनता है एफ एंड एफ, फॉर्म नंबर को बताएगा आर ए बिल, कोई बताता ही नहीं। 26 होता है ना। देखिए एचआर में जब आप 26 में पेमेंट कर रहे होते हैं, वहां पर एक पेमेंट का जिक्र किया गया है जिसका नाम है एडवांस पेमेंट। नाम आप लोगों ने सुना है? हाँ सर। कहाँ सुना है? सर कुछ दिन पहले आप पढ़ा रहे थे ना। अरे मेरे मुंह से सुना ये नहीं बोलना है, आपने इससे पहले इस बुक में कहाँ सुना है? चैप्टर नंबर 2.3, चैप्टर नंबर 2.3 पढ़िए, एडवांस पेमेंट। पढ़िए, कोई नहीं पढ़ रहा है। एडवांस पेमेंट मींस अ पेमेंट मेड ऑन अ रनिंग अकाउंट टू अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर वर्क डन बाय हिम बट नॉट मेजर्ड। बस है ना। अब देखिए मैंने क्या बताया, रनिंग अकाउंट आर ए बिल माने रनिंग अकाउंट बिल, है ना। उसमें जब आप एडवांस पेमेंट पढ़ रहे हैं चैप्टर 2, ठीक है, पॉइंट 3, तो क्या लिखा हुआ है कि आर ए बिल पे कोई पेमेंट करते हैं उसमें वर्क डन बट नॉट मेजर्ड, ये लैंग्वेज लिखा हुआ है या ना जी।
बट नॉट मेजर्ड, ये कैसे पता चला कि मेजर नहीं किया गया है? अगर मान लीजिए कोई डिविजनल अकाउंट मेजरमेंट बुक, मेजरमेंट बुक में एंट्री होगी ना सर? यस यस यस, एमबी में अगर एंट्री नहीं है समझ गए, तो हमें को पता चल गया डिविजनल अकाउंटेंट को कि मेजर्ड नहीं, ठीक है। बस यही सबसे बढ़िया तरीका है समझने का, है ना, कि आरए बिल में आप जब एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो लिखा हुआ वर्क डन बट नॉट मेजर्ड, कैसे पता चला? एमबी में एंट्री नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी पेमेंट होगा, चाहे वो सर्विस रेंडर होगा या आइटम सप्लाइड होगा, समझ लीजिएगा। और तीसरा, मस्टर्ड ऑयल पे अगर लेबर का भी पेमेंट किया गया है तो एमबी का मतलब क्या हुआ, ठीक है, एनी पेमेंट, ठीक है, एनी पेमेंट में तीनों हम लिख देंगे, ठीक है। पहला सर्विस रेंडर्ड, दूसरा आइटम सप्लाइड, मैंने स्टॉक का, स्टॉक की बात कर रहे हैं, स्टॉक टूल एंड प्लांट कुछ भी हो सकता है, और तीसरा मस्टर रोल, कुछ भी होगा, समझे। ये एमबी में रिकॉर्ड किया ही जाएगा, और एमबी का कौन सा फॉर्म है, हमने लिखा था कि नहीं लिखा था? नहीं लिखा था, कौन सा फॉर्म है? ट्वेंटी थ्री, राइट, ठीक है ना। तो अब आपको यहां समझ लेना चाहिए कि कुछ भी, कोई भी सेवा दी गई हो, कोई भी सामान दिया गया हो, या मस्टर रोल पे लेबर को पेमेंट किया गया हो, आपको एमबी में लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखेंगे हम पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। एमबी एक टेक्निकल बुक है, लेकिन इसी टेक्निकल बुक के दर्ज आंकड़ों के आधार पे, बिकॉज इसी देन इनिशियल रिकॉर्ड, हम लोग इसको पेमेंट करते हैं, बिल बनाना है, बिल पास करते हैं, ठीक है। इस चीज को और बेटर समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे 10.1.3, तो पढ़िए 10.1.3। द मेजरमेंट ऑफ वर्क डन बाय डेली लेब, डेली रेटेड लेबर्स ऑन ए मस्टर रोल आर रिकॉर्डेड इन मेजरमेंट बुक। द पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स एंड अदर्स फॉर द वर्क डन और अदर सर्विस रेंडर आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट्स रिकॉर्डेड इन द मेजरमेंट बुक। बोलिए, अभी जो मैंने बताया वही लिखा है, कुछ और लिखा है? बिल्कुल बिल्कुल वही लाइन है, बिल्कुल सर, वही है ना। चलिए 10.1.4 में आते हैं, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक के बारे में भी लिखा हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं कि वो क्या है। चलिए पढ़िए। जनरल इंस्ट्रक्शन इन रिगार्ड टू प्रिपरेशन ऑफ मस्टर रोल एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द क्वांटम ऑफ द वर्क डन इन मेजरमेंट बुक एंड आल्सो ऑफ राइटिंग द मेजरमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ वर्क डन बाय कॉन्ट्रैक्ट एंड सप्लाइज मेड इन मेजरमेंट बुक इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक आर डिटेल्ड इन दिस चैप्टर इन पैराज 10.2.3 एंड 10.2.7 टू 10.2.9। द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री में कोई बात नहीं, अब हम नहीं पढ़ेंगे। हम लोग एक्चुअली में जानना चाहते थे कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक है क्या, ठीक है। मैं जानता हूँ क्या है, 10.2.3 में लिखा हुआ है। असल में जब आप बिल्डिंग का कोई भी काम कराते हैं ना, ठीक है, तो वहां पे बिल्डिंग के काम में एक स्टैंडर्डाइज होता है कि आपने प्लिंथ खोदा, मतलब गड्ढा खोदने से लेकर के उसको टाइबिंग तक लेकर के आए, जिसको प्लिंथ वर्क कहते हैं। टाइबिंग के बाद ऊपर से फिर वहां पर ईंटों की जुड़ाई की, और ईंटों की जुड़ाई करने के बाद आप लिंटल लेवल पे लेके आए, फिर वो दूसरा स्टैंडर्ड हो गया। फिर उसके बाद में आप छत को आपने ढाला, फिर वो तीसरा स्टैंडर्ड हो गया। फिर आपने प्लास्टर किया, पुट्टी कराई, कलर कराया, प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कराया, बड़ी बिल्डिंग है तो लिफ्ट मैन का काम कराया, टाइल लगाए, मार्बल लगाए, बल्ब बत्ती लगाई, पंखे लगाए, ये सब एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। आपको मेजरमेंट बुक के बारे में जब आप एमबी पढ़ते, स्टैंडर्ड एमबी की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल एमबी की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल एमबी को जब आप पढ़ते तो आपको पता है कि वहां हर एक महीने जितना भी काम पहुंचा हो आपको वहां पे उसको पेमेंट करना होता है। नॉर्मली ऐसा रूल नहीं है कि महीने में एक बार पेमेंट करना ही है, महीने में एक बार से ज्यादा बार भी पेमेंट होता है, अक्सर में प्रैक्टिकल वही है। स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक के बारे में जब बिल्डिंग बना रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको महीने में पेमेंट करना है, आप उस लिमिट तक पहुंचे और फिर पेमेंट कीजिए। हम तो हफ्ते हफ्ते करते हैं, हमने अपना बिल्डिंग बनवाया, हफ्ते हफ्ते पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन हफ्ते हफ्ते पेमेंट भी कितना पेमेंट, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमने कॉन्ट्रैक्टर से बात की तो वो छत को स्क्वायर फुट के हिसाब से उसने नापा, तो उसने कहा कि हम टोटल बिल्डिंग बनाने का 3 लाख रुपए चार्ज करेंगे, ठीक है। तो हमने उससे पूछा कि भाई आप छत ढालेंगे तब तक आपका चार्ज कितना होगा, तो उसने कहा कि हम 1,70,000 रुपए छत ढालने तक लेंगे, ठीक है। तो छत ढालने तक लेंगे, अब हमको पता है कि 3 लेवल है, ये बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, ये जमीन के अंदर का हिस्सा है, जमीन के अंदर का हिस्सा,
ये जो है आपका टाइपिंग जिसको कहते हैं, यहाँ पे टाइपिंग होता है मोटा मोटा, है ना, तो ये रिटर्न हो गया, फिर यहाँ चेक हो गई। तो हमने सोचा कि भाई 1,70,000 है तो अपन यहाँ तक कितना पेमेंट करेंगे, तो यहाँ तक हम 70,000 पेमेंट करेंगे, ऐसा हमने सोचा। फिर यहाँ हम और 50,000 पेमेंट करेंगे, फिर यहाँ हम और 50,000 पेमेंट करेंगे, समझे कि नहीं। इस तरीके से हमने मापा, ये जो आपने स्टैंडर्ड सोच के रखा है, पेमेंट आप वीकली कर रहे हैं, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं पेमेंट वीकली कर रहा हूँ, पर मैं सोचूंगा कि यहाँ ये टाइम तक जाते थे 70,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसी को एक बार जरा पढ़िए, 10.2.3 में स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक 10.2.3 लिखा हुआ है इसमें, 10.2.3 में स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक हाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ डी में, डी को पढ़िए, 10.2.3 का डी पढ़िए। पढ़िए प्लीज, नहीं ये तो अनपेड वेजेस है, वो नहीं है, नहीं सर, स्टैंडर्ड मेजरमेंट लिखा हुआ है। जी हाँ जी सर, Administration concerned in consultation with the chief controller account for the efficient maintenance of the book, so that it may not be necessary to take detailed measurement on each occasion. Inter alia, the following precautions are necessary. तो यहाँ जो मैंने आपको बताया वो सारी बातें हैं या नहीं है स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक के बारे में? ये फॉर्म नंबर नहीं दिया हुआ है, फॉर्म नंबर को हम बाद में चेक कर लेंगे, ठीक है। वो बिल्डिंग के मेंटेन के बारे में, रिपेयर के मामले में होगा, कंस्ट्रक्शन के मामले में होगा, लेकिन बिल्डिंग के मामले में है ना। स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक आप कहीं भी यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, वो अमूमन बिल्डिंग के मामले में ही होता है। तो ये पॉइंट क्लियर है, बिल्कुल सही है, गलत सही है सर? हेलो हाँ सर, एक वर्ड यहाँ पे अलग दिया गया है जिसको मैंने डिस्कस नहीं किया है, पीरियोडिकल रिपेयर। पीरियोडिकल रिपेयर का मतलब ये है कि एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस का निकलता है, ठीक है। ये जो वर्ड है आपका, वो आपको जो एमसीक्यू में पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा पीरियोडिकल रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, समझे कि नहीं। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है पीरियोडिकल रिपेयर के मामले में। पीरियोडिकल रिपेयर का मतलब समझ सकते हैं आप, जैसे एनुअल रिपेयर हो सकता है। सर मैं बोलूं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, हाँ बोलिए। एक्चुअली क्या होता है कि मेजरमेंट हम दो टाइप के लेते हैं, एक होता है डिटेल मेजरमेंट। डिटेल में हम सब कुछ उसका डिटेल करते हैं कि ये लेंथ था, ये ब्रेथ था, ये हाइट था, ये रूफ है, ये वॉल है, इस टाइप से ये फर्श है, वो हमने डिटेल एक बार ले लिया। डिटेल लेने के बाद में उसको हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं कि भैया इसका जो रिपेयर मेंटेनेंस में ये मेजरमेंट आएगा, तो वो मेजरमेंट जो है हमको बार बार लेने की जरूरत नहीं होता। डिटेल मेजरमेंट हम एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट सेट कर लेते हैं कि ये इसका एनुअल मेंटेनेंस रिपेयर होना है या कुछ भी काम होना है एनुअली, तो ये स्टैंडर्ड इसका मेजरमेंट होगा, और उसके बेसिस पर हम क्या कहते हैं बनाते हैं अपना एस्टिमेट कि इतना खर्चा आएगा और ये होगा। तो उस केस में हम हर बार आपका डिटेल मेजरमेंट नहीं लेंगे, समझ गए, ठीक है। इनका जो पॉइंट है बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, और प्रैक्टिकली यही होता है कि जब आप बिल्डिंग बना चुके होते हैं उस समय उसका डिटेल मेजरमेंट ले चुके होते हैं, लेकिन जब आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, वो तो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के बाद का ही पीरियड होता है ना? जी सर, डीएलपी के बाद का। बिल्कुल बिल्कुल, तो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड एक होता है, कुछ 4-5 साल का होता है, कई बार कम कई बार ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसके बाद में हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। जब वो काम कर रहा होता है, मान लीजिए कोई कमरा है, ठीक है, आपने तो पहले से पता है कि कमरा कितना लंबा चौड़ा है ना, 20 फीट का होगा, 20 फीट मल्टीप्लाई 18 फीट का कोई कमरा है, बड़ा बड़ा ऑफिस में तो कमरे बड़े बड़े होते हैं, तो इस तरह के बड़े कमरे के लिए हमें पहले से मेजरमेंट लिया हुआ है, उसमें जो भी वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम करेगा, पुताई करेगा,
जो भी कुछ करेगा, अपने को पहले से पता है लंबाई चौड़ाई क्या है, तो अपन हर बार लंबाई चौड़ाई मेजर नहीं करते हैं, स्टैंडर्ड हमारे पास में है, हम उसी के हिसाब से उसको रेट सेट करके कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। तो यही होगा ना अरुण जी? जी सर, यही एग्जैक्टली। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड मेजरमेंट को भी देखा और समझ लिया है ना। स्टैंडर्ड मेजरमेंट और मेजरमेंट बुक दो हमारे पास में आ गए। इसके अलावा एक और फॉर्म होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं फॉर्म 92 कहते हैं। हेलो फॉर्म 92 क्या है बताइए आप लोग। हेलो फॉर्म 92 को पढ़ने के लिए 10.2.7 में लिखना होगा। एक फॉर्म 92 है, क्या फॉर्म 92? ये रजिस्टर है सर, इसका मेजरमेंट ईपीडब्ल्यूए फॉर्म है, ठीक है। और ये क्या फॉर्म 92 बताइए सर? रेवेन्यू रिकॉर्ड है ना सर, मेजरमेंट रिकॉर्ड ऑफ मेजरमेंट होता है ना सर ये? रजिस्टर ऑफ एमबी है। इसका मतलब क्या है कि जितना भी एमबी आप इशू करते हैं, आप डिवीजन में है ना, तो डिवीजन में है तो डिवीजन के लोग एमबी इशू करते हैं, ठीक है, टू असिस्टेंट इंजीनियर या जेई, इसको भी कर सकते हैं, कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो एमबी इशू करते हैं ना, ये एक रजिस्टर ऑफ एमबी होता है, उसमें नंबर डाल के करते हैं, ठीक है। और ये एमसीक्यू पूछेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो उसमें जो नंबर डालते हैं ना, वो नंबर्ड होता है, माने 1 2 3 4 5 होता है, समझे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसका वो नंबर होता है, लिखा हुआ है इन अकॉर्डिंग विद द रूल इन 10.2.7 में पढ़ रहा हूं, द मेजरमेंट बुक शुड देयरफॉर बी कंसीडर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट रिकॉर्ड एंड शुड बी सो रिटन दैट ट्रांजेक्शन आर रेडली ट्रेसिबल in the accounts of the department, all the measurement book belonging to a division should be numbered seriously, है ना? And the register of them should be maintained in form 92, ठीक है? तो ये number किया जाता है, इसको MB को, जबकि standard MB उसका भी इसी में entry होती है, होता है कि नहीं? Standard measurement, है ना? और standard measurement book को 10.2.7 में फिर से एक बार देखेंगे, वहां पे उसका जो मार्किंग होता है वो नंबरिंग नहीं होता है, वो अल्फाबेटिकली होता है। 10.2.10 का पॉइंट नंबर 2 पढ़िए। पढ़िए। इसका मतलब ये 1 2 3 4 होगा और ये जो होगा वो ए बी सी होगा, इस तरीके से ये बढ़ेगा। The entries of measurements and abstract The measurement books used as standard book should be numbered in an alphabetical series so that the number may be readily distinguished from those assigned to the ordinary book. Books wherein detailed measurements are recorded wherever, whenever work is actually done. अच्छा, standard measurement book का कोई form number है? मुझे मिल नहीं रहा है। 23A. एमबी को नंबर देने का दो या तीन रीजन होते हैं। एक तो ये रीजन होता है कि उसको हम ट्रेस आउट कर सके, ये जो एमबी को नंबर दिया है ये किसको, किस जेई को इश्यू है, पहली चीज। ये तो सेकंड चीज, हाँ सेकंड चीज क्या होती है कि जब भी हम कोई बिल बनाते हैं, इधर मतलब आपका फर्स्ट एंड फाइनल और रनिंग बिल बनाते हैं, तो उसमें एक एमबी रिकॉर्ड होता है। एमबी रिकॉर्ड में हम ये लिखते हैं कि वो मेजरमेंट किस जेई ने ली, किस डेट पे वो मेजरमेंट ली और कहाँ पे उसका मेजरमेंट ली, मतलब किस एमबी नंबर पे, उसके कौन से पेज से लेके कौन से पेज तक उसने मेजरमेंट ली, किस सब डिविजनल ऑफिसर ने उसको क्रॉस चेक किया और किस डीओ ने, मतलब डीओ तो एक ही होता है, मतलब डीओ ने फिर उसको क्रॉस चेक किया। तो इसका ये पर्पस होता है पूरा का पूरा कि आपको बिल से रिकॉर्ड मिल जाएगा एमबी का, उल्टा पूरा का पूरा। बिल्कुल सही बात है।
बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको यहां देख लिया, ठीक है ना। अब हम लोग फिर से स्टार्टिंग में आ जाते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे 10.1.5, ठीक है, जो हमारे सामने में आता जाएगा। अभी तक हम लोगों ने एक चीज और नहीं देखा, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, है ना। वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के बिल के बारे में थोड़ी देर में आने वाला है, तो जैसे आएगा हम उसको और देख लेंगे कहां कहां से है। 10.1.5 पढ़ लिया। In recording the cost of an individual work in the accounts. जोर से जोर से. धीरे से. 10.1.5 जो पढ़िए जोर से पढ़िए. In recording the cost of an individual work in the accounts, no attempt is made to the include therein any charge on account of general service like establishment and tools and plant. The entire cost whereof it is adjusted in the general accounts under the prescribed head of classification. But if any service connected with the working estimate for a work is rendered by another division or department or government and the claim made by it includes an authorized charge on account of such general services, such charges may be accepted and adjusted in the accounts of work as part of the cost of the work in the same way as if the services has been rendered by a contractor. Okay, major headache ho sakta hai, isliye isme tension nahi lijiye, theek hai na। मेजर हेड, ठीक है, इसमें दो हिस्से हैं, एक है वर्क हेड, एक है जनरल हेड, ठीक है। माइनर हेड में भी आता है, सब में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, मेजर हेड एक हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि आप एक डिवीजन है पीडब्ल्यूडी, आपके कुछ एस्टेब्लिशमेंट होंगे, कुछ स्टाफ होंगे, स्टाफ की सैलरी होगी, ठीक है, उनके अलाउंसेस होंगे। मुझे ये बतलाइए सैलरी पर जो और अलाउंसेस पर जो खर्च होते हैं वो आप वर्क हेड में बुक करते हैं कि जनरल हेड में बुक करते हैं? जनरल में। बिल्कुल सही। आपके अपने ऑफिस के जो स्टाफ हैं, आप अपना काम जब करेंगे, ठीक है, मान लीजिए 2059 का काम कर रहे हैं, अमूमन जानते हैं आपका जो स्टाफ है ना, उसकी भी सैलरी 2059 में कहीं बुक होती है। अब वो कहां होती है, उसके लिए अलग से एक सब हेड बनाया गया है, उसको नाम दिया गया है डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वही है ना जी अरुण जी? जी सर, है ना, उसको नाम दिया गया है डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और इसको वर्क हेड नहीं कहा जाता है, इसको जनरल हेड कहा जाता है। मेजर हेड वही है, और डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हर जगह है, मतलब जितना भी एक्सपेंडिचर हेड है हर जगह डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। और ये कहां लिखा हुआ है? लिखा हुआ 10.2.3 का ए, बिल्कुल पढ़िए 10.2.3 का ए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। डिपार्टमेंटल लेबर, सॉरी, परमानेंट एंड टेंपरेरी एम्प्लॉइज ऑफ द डिवीजन को पे इन चार्ज is charged to the head direction and administration. Permanent and temporary employees of the division whose pay is charged to the head direction and administration. And administration. जो मैंने बताया वो बात लिखी हुई है ना? इसमें क्या नहीं लिखा हुआ है? जनरल हेड में आपका जो स्टाफ है, समझे, वो कौन सा स्टाफ? परमानेंट एंड टेम्पररी स्टाफ, समझे। लेकिन इसमें वर्क चार्ज स्टाफ की बात नहीं की गई है। वर्क चार्ज स्टाफ का जो होगा ना वो यहाँ होगा, वर्क चार्ज स्टाफ, वर्क WCE कहते हैं, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, समझे। इसका जो भी सैलरी होगा, अलाउंसेस होगा, वो सब वर्क हेड में बुक होता है, ठीक है ना, सैलरी और अलाउंसेस। तो अब आपको मैं 10.1.5 क्या पढ़ा रहा था, 10.1.5 में ये कह रहा है कि आपका अपना परमानेंट और टेम्पररी स्टाफ का खर्चा वर्क हेड में नहीं डालेंगे, लेकिन आपके बिहाफ में अगर कोई दूसरा डिवीजन काम कर रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है, दूसरा गवर्नमेंट काम कर रहा है, तो उसके परमानेंट और टेम्पररी स्टाफ का खर्चा आपसे लिया जा सकता है, समझे, ये कह रहा है। और कैसे? जैसे कि वो कोई कॉन्ट्रैक्टर हो,
तो 10.1.5 में यही बात कही गई है, क्या कहा गया है, इन द रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल वर्क इन द अकाउंट नो अटेम्प्ट इज मेड टू इंक्लूड देयर इन एनी चार्ज ऑन अकाउंट ऑफ जनरल सर्विसेज, ये जनरल सर्विसेज है जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट एंड टूल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। तो ये तो मैंने केवल जनरल रेट में एक चीज बताया आपको, एस्टेब्लिशमेंट यहां को ये वन है और ये टू क्या है, टूल्स एंड प्लांट्स का भी जो खर्चा है समझे, वो डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, एक सर्वेड एस्टेब्लिशमेंट के लिए टूल्स एंड प्लांट्स का भी सर्वेड होता है। टूल्स एंड प्लांट्स का सर्वेड क्या होता है जी, अरुण जी बताइएगा टूल्स एंड प्लांट्स का सर्वेड क्या होता है। 0851 नहीं 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 नंबर नहीं पूछ रहे हैं, नंबर तो अलग अलग होता है, नाम क्या लिखा रहता है सर, वो मेंटेनेंस एमए लिखा होता है ना, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, इसका जो डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है ना, इसका टूल्स एंड प्लांट्स का होता है मशीनरी एंड इक्विपमेंट, क्या होता है अरुण जी, सही है या गलत, इनको जनरल सर्विस कहा गया है, क्या कहा गया है, जनरल सर्विस, और इसका जो खर्चा है वो वर्क हेड में बुक नहीं किया जाता है, ठीक है, ये यहां पर कहा गया है। द एंटायर कॉस्ट वेयर ऑफ इज एडजस्टेड इन द जनरल अकाउंट अंडर द प्रिस्क्राइब्ड हेड ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि वहां है एक डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन में एस्टेब्लिशमेंट वाला और मशीनरी एंड इक्विपमेंट में टीएमपी वाला, बट 10.1.5 अगर किसी दूसरे डिवीजन ने, दूसरे डिपार्टमेंट ने, दूसरे गवर्नमेंट ने कोई खर्चा किया है, कोई काम किया है, खर्चा नहीं किया, कोई काम किया है और उसने हम पे क्लेम किया है और उस क्लेम में इस तरह के जनरल सर्विसेज को इंक्लूड कर दिया है, समझे कि नहीं, मे बी मेड मे बी इंक्लूडेड एन ऑथराइज्ड चार्ज ऑन अकाउंट ऑफ सच जनरल सर्विस, सच चार्जेस मे बी एक्सेप्टेड, उस चार्ज को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, किया जा सकता है एंड एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ वर्क, और इस वर्क के अकाउंट में एडजस्ट किया जा सकता है एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ वर्क इन द सेम वे एज इफ द सर्विस हैड बीन रेंडर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। अरुण जी क्लियर हुआ, बाकी लोगों को क्लियर हुआ ये क्या कहना चाह रहा है, हेलो जी सर, हेलो जी सर, हम सर ठीक है ना, इसके नोट वन में ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मैंने बताया है, इसको पढ़ के अपना टाइम खोटा नहीं करना है। यहाँ पे नोट टू में लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉयड इन द एक्विजिशन ऑफ लैंड वेयर व्हेन चार्जेबल टू द अकाउंट ऑफ वर्क कंसर्न अंडर पैराग्राफ 17.1.3 शुड बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द वर्क एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है, जब लैंड एक्वायर करते हैं और उसको एक्वायर करने के लिए स्पेशल एम्प्लॉय स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट को एम्प्लॉय करते हैं तो उसका खर्चा चार्ज कॉस्ट ऑफ वर्क में जाता है, कॉस्ट ऑफ वर्क में इंक्लूड होता है, कौन से लैंड एक्वायर करने के एस्टेब्लिशमेंट जो करते हैं, सो लैंड एक्विजिशन एस्टेब्लिशमेंट, समझे, इसका मतलब क्या होता है, एक होता है लैंड एक्विजिशन ऑफिसर LAQ, समझे, अगर किसी PWD ऑफिस के बिहाफ में LAQ ऑफिस लैंड एक्विजिशन ऑफिसर का जो ऑफिस होता है वो आपका काम करता है तो वो भी अपने एस्टेब्लिशमेंट का जो खर्चा है आपके कॉस्ट ऑफ वर्क में इंक्लूड कर सकता है, क्लेम कर सकता है और आपको उसका क्लेम एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सही है या गलत, बोलिए, सही सही है ना, हाँ सर, हाँ बोलिए बोलिए आगे, सर एक मिनट सर, हाँ बोलिए बोलिए मैम, हेलो मिनट आइए मिनट सर, आप ये बोल रहे थे कि अब आप वीडियो देख लीजिएगा, चलिए नोट थ्री को भी पढ़िए, नोट थ्री लमसम चार्जेज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड टूल्स एंड प्लांट रिकवरेबल फ्रॉम अदर गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट फॉर वर्क एग्जीक्यूटेड फॉर देम एज ए स्टैंडिंग अरेंजमेंट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द अकाउंट ऑफ द वर्क्स बट डील्ड विद द अंडर द रूल्स इन अपेंडिक्स 4। यहां तो उल्टा पहले वाले को दूसरा गवर्नमेंट
कोई दूसरी डिपार्टमेंट कोई दूसरा डिवीजन काम कर रहा था और वो क्लेम कर रहा था। नोट थ्री वाले मामले में हम क्लेम कर रहे हैं क्योंकि हमें भी एक डिवीजन है, ठीक है, हम एक डिवीजन होकर के बिंग अ डिवीजन हम क्लेम कर रहे हैं। क्या क्लेम कर रहे हैं? लमसम चार्जेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड टूल्स एंड प्लान्स रिकवरेबल फ्रॉम अदर गवर्नमेंट। हम दूसरे गवर्नमेंट से रिकवर करेंगे इसका, किसका चार्ज? एस्टेब्लिशमेंट का, टूल्स एंड प्लान्स का, लमसम है, ठीक है, एंड डिपार्टमेंट, या तो गवर्नमेंट होगा या तो डिपार्टमेंट होगा, फॉर वर्क्स एग्जीक्यूटेड फॉर देम, हमने उनके लिए वर्क किया है एज अ स्टैंडिंग अरेंजमेंट, ये स्टैंडिंग अरेंजमेंट के तहत, ठीक है, शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द अकाउंट ऑफ वर्क, ठीक है, हमने किसी के लिए काम किया है और वो स्टैंडिंग अरेंजमेंट के तहत किया है तो फिर वो हमको कॉस्ट ऑफ वर्क में इंक्लूड नहीं करना है। तो इसका जो नोट थ्री लिख रहा है वो क्या लिख रहा है कि वी आर वर्किंग, ठीक है, और अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, स्टैंडिंग अरेंजमेंट के तहत, इफ अंडर स्टैंडिंग अरेंजमेंट, स्टैंडिंग अरेंजमेंट का मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? यहां है ना, नहीं समझ रहे जल्दी पूछ लीजिए। देखिए स्टैंडिंग अरेंजमेंट का मतलब है कि पहले से ऑर्डर दिया गया है कि वो डिपार्टमेंट है हेल्थ का, तो उसका हॉस्पिटल है और हमको एकदम पहले से ऑर्डर दिया गया, हम पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी अलग, हेल्थ अलग, हॉस्पिटल अलग, पहले से हमें ऑर्डर दिया गया कि हॉस्पिटल का रिपेयर एंड मेंटेनेंस हम ही को करना है, समझ गए? जब हमको स्टैंडिंग अरेंजमेंट दे दिया गया कि हर साल हमको ही करना है तो फिर हम उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस के ऊपर में किए जाने वाले खर्च को अपने कॉस्ट ऑफ वर्क में, माने उसके कॉस्ट ऑफ वर्क में अपने एस्टेब्लिशमेंट और टूल्स एंड प्लांट्स के ऊपर में जो लमसम खर्चा करेंगे उसको ऐड नहीं करेंगे, समझे? तब हम लमसम एक्सपेंडिचर ऑन एस्टेब्लिशमेंट प्लस पी एंड पी, समझे, इंक्लूड नहीं करेंगे, नॉट इंक्लूडेड। क्लियर है? हाँ सर, है ना? तो हम लोग आज की वीडियो को यही एंड करेंगे, ठीक है, और यही पर एंड करने के बाद में आप लोगों को कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। चलिए